दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज लॉन्चर। क्या ओम प्रकाश राजभर और उनके पुत्र अरविंद राजभर चुनाव के दौरान योगी जी से बयानों के जरिए पुराना हिसाब किताब कर रहे हैं? जी हां, चौंकिएगा मत। दरअसल ओम प्रकाश राजभर ने तो पहले बोला था कि मुझसे पूछकर मंत्रालय दिया था, दिल्ली ने मुझसे पूछा था कि आपको कौन सा मंत्रालय चाहिए और वो मंत्रालय मुझे दिया गया। जबकि लोग ये मानते हैं कि मुख्यमंत्री के पास ये अधिकार रहता है कि वो अपने मंत्रिमंडल में किसको कौन सा विभाग देगा। इसके अलावा आज जो बोला है उनके पुत्र डॉक्टर अरविंद राजभर ने, वो तो कहने लगे उत्तर प्रदेश में दिल्ली जैसे स्कूल होने चाहिए। फिर से मैं सुनिए क्या बोल रहे हैं। वो बयान दिया उन्होंने घोसी में कि उत्तर प्रदेश में दिल्ली जैसे स्कूल होने चाहिए, यानी केजरीवाल के जो स्कूल है वो योगी सरकार के स्कूल से बढ़िया है। यही नहीं रुके और आगे भी बोले, और बोले कि उत्तर प्रदेश में जो स्कूलों में मिड डे मील योजना है इसको बंद कर देना चाहिए। उसके बाद बोले कि क्यों बंद करना चाहिए ये भी बताया, क्योंकि बच्चे जो जाते हैं स्कूल में पढ़ने के लिए वो बच्चे स्कूल में जाके मिड डे मील का बर्तन धोते हैं। यानी जो बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं वो वहां पढ़ते पढ़ाई के साथ साथ बर्तन भी धोते हैं। अब इस तरह के बयान जब ओम प्रकाश राजभर के पुत्र डॉक्टर अरविंद राजभर, जो एनडीए के प्रत्याशी है घोसी से, ये उन्होंने दे दिया, अब मीडिया में चलने लग गया कि अरविंद राजभर तो अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। अरे उनके पिताजी ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री है और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, और खुद ही राजभर जी ने कहा है कि दिल्ली से पूछ को ही इनको मंत्रालय दिया गया। और एक वीडियो भी वायरल हुआ था कि मुख्यमंत्री के पास जो मलाईदार विभाग था वो विभाग उन्होंने केंद्र को बोला था कि जो दो मलाईदार विभाग है ये मुझे चाहिए। ये ओम प्रकाश राजभर का बयान है, ये आप सबने देखा हुआ है। अब सोचिए कि किस क्या हो रहा है। अब ये सोशल मीडिया का जमाना है, ये बयान अब तुरंत थोड़ी देर बाद पूरे उत्तर प्रदेश में घूमेगा। अभी केजरीवाल कल से जब से रिहा हुए हैं तब से लगातार अटैक किए जा रहे हैं मोदी जी को, और यहां वहां तक कह दिया कि जैसे ही मोदी जी किसी बार प्रधानमंत्री बनेंगे योगी जी को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। केजरीवाल क्यों मोदी की चिंता, योगी की चिंता कर रहे हैं? दरअसल केजरीवाल जो राजपूत वोटर जो भाजपा से नाराज हो रहे हैं उनकी नाराजगी को और भड़काना चाहते हैं कि भैया अगर आपने भाजपा को वोट दे दिया, नरेंद्र मोदी चुनाव जीत गए, तो आपके जो बिरादरी के नेता हैं योगी आदित्यनाथ उनको भी योगी जी मोदी जी मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा देंगे। और उसके बाद ये अरविंद राजभर ये बयान दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है स्कूल जो होने चाहिए वो दिल्ली की तरह होने चाहिए और मिड डे मील योजना बंद करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों से मिड डे मील योजना वाले स्कूलों में बच्चों से उन बर्तनों को धुलवाया जाता है। और यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि ये जब मैं चुनाव जीत जाऊंगा तो ये सारी बातें मैं नरेंद्र मोदी तक पहुंचाऊंगा। इसका मतलब क्या अरविंद राजभर ये कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश की सही स्थिति नहीं बताती है? अब अरविंद राजभर जब चुनाव जीत जाएंगे तब वो नरेंद्र मोदी को सब कुछ बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में वस्तुस्थिति ये है, मोदी जी जो आपसे बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। दरअसल ये समझ में नहीं आ रहा है। अब ये बयान जब आप देंगे, आप बयान दे रहे हैं, आप किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से, और बार बार बोल रहे हैं ओम प्रकाश राजभर क्या बोल रहे हैं कि भैया यहाँ पे चुनाव चिन्ह छड़ी है, छड़ी छड़ी अपने चुनाव चिन्ह की बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी से मैंने मजबूरी में समझौता किया है, ये भी बता रहे हैं। और जैसे बोल रहे हैं कि जैसे ही मुझे लगेगा कि ये दलित और पिछड़ों के हक का बात नहीं करेंगे हम तुरंत इन पर सवाल करेंगे, इस गठबंधन को छोड़ देंगे। अभी चुनाव हुआ नहीं है और चुनाव के पहले ही ओम प्रकाश राजभर के बयान, और लगातार ये बयान एक दिन नहीं, लगातार हर रोज कुछ ना कुछ बयान, और नहले पे दहला।
इस वक्त जब भारतीय जनता पार्टी खुद बैकफुट पे है कि केजरीवाल को एन मौके पे सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम जमानत दे दी है। अब आज वो बाहर आए, बाहर आने के बाद दिल्ली में जो सबसे प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है वहां गए, दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद आते ही दहाड़ने लग गए। और सबसे पहला निशाना उन्होंने क्या साधा, उत्तर प्रदेश या देश में जो छत्री मतदाता भाजपा से नाराज है वो उनकी नाराजगी बढ़ाने वाला बयान दे दिया कि मोदी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो योगी जी को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाए। और दूसरी तरफ वो ओम प्रकाश राजभर जो ये बताते हैं कि उनकी सीधे बात दिल्ली से होती है, मतलब वो तो बार बार बोलते हैं कि मैं सीधे अमित शाह मोदी से बात करता हूं, और ये भी बोल क्या क्या नहीं बोला उन्होंने तो सबने सुना है कि जो मंत्रालय चाहा वो मैंने बता दिया, दिल्ली ने दे दिया। अब उनके बेटे क्या कह रहे हैं, वो अरविंद राजभर, डॉक्टर अरविंद राजभर, मुझे नहीं पता किस सब्जेक्ट में उन्होंने पीएचडी की, लेकिन वो डॉक्टर अरविंद राजभर हैं। अब वो कह रहे हैं कि यूपी में दिल्ली जैसे स्कूल होने चाहिए, मतलब यूपी के स्कूलों की स्थिति बहुत खराब है। और मिड डे मील योजना पे उन्होंने सवाल उठा दिया कि भाई जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो स्कूल में मिड डे मील के बर्तन धोते हैं, ये तो बहुत बड़ा आरोप है, ये तो बहुत बड़ा आरोप है। क्या इन आरोपों पे भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता या योगी जी पूछेंगे? भाई आज तक हमने नहीं सुना है कि मिड डे मील योजना में जो बच्चे आते हैं प्राइमरी स्कूल सरकारी स्कूल पढ़ने के लिए वो मिड डे मील योजना के बर्तन धोते हैं। और जो बड़ी बात उन्होंने कही कि जब मैं चुनाव जीत जाऊंगा तो सारी बातें मोदी जी तक पहुंचाऊंगा, सारी सच्चाई बताऊंगा। इसका मतलब क्या योगी जी मोदी जी को यूपी का सच नहीं बताते हैं? देखिए उत्तर प्रदेश में भाजपा बुरी तरह फंस गई है। एक तो सबको पता है कि जैसा ही ओम प्रकाश राजभर के बारे में घोषणा हुई कि ओम प्रकाश राजभर वापस एनडीए ज्वाइन कर रहे हैं, ये जुलाई की घटना थी, 16 जुलाई 2023 की। तो इसी न्यूज लॉन्चर पे हमने डिबेट की थी अशोक वानखड़े के साथ, जुलाई के महीने में जाके दिखेगा, तब हमने जिक्र किया था कि योगी जी से इतने नाराज हो गए थे, ऐसी चर्चा थी कि चुपचाप गोरखपुर चले गए थे। और उसके बाद लगातार ओम प्रकाश राजभर बोले कि हम और दारा सिंह चौहान को मंत्री बनना है। और ये बात हुई 16 जुलाई को जब वो भारतीय जनता पार्टी में एनडीए में उनकी पार्टी शामिल हुई, और दारा सिंह चौहान ने तो और बड़ी मतलब बीजेपी ज्वाइन करने के लिए समाजवादी पार्टी से अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। और सबने देखा कि जब घोसी का उपचुनाव हुआ उस उपचुनाव में अप्रत्याशित रूप से दारा सिंह चौहान 40,000 वोटों से हार गए। अंदर खाने ये चर्चा थी कि योगी के खास लोगों ने ओम प्रकाश राजभर को वो मतलब माफ कीजिएगा दारा सिंह चौहान को वोट नहीं दिया। लेकिन उसके बाद भी ओम प्रकाश राजभर को जो 16 जुलाई 2023 को आते हैं एनडीए में वापस और उनको मंत्री बनाया जाता है 5 मार्च 2024 को, पूरे 8 महीने बाद वो साहब मंत्री बनते हैं, और विभाग मिलता है पूरे 1 हफ्ते बाद यानी 12 मार्च को, 12 मार्च 2024 को विभाग मिलता है और 16 मार्च 2024 को कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। तो ये जो एक पूरा घटनाक्रम दिख रहा था साफ साफ कि योगी जी असहज हैं, योगी जी ओम प्रकाश राजभर को लेकर असहज थे, इसीलिए मंत्रिमंडल का विस्तार वो 8 महीने तक टालते रहे। और एक बयान और आया था, उन्होंने बोला था कि जब तक मैं मंत्री नहीं बनूंगा चुनाव की डेट नहीं आएगी। और सबने देखा जब ओम प्रकाश राजभर मंत्री बन गए उसके बाद ही जो है इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई। तो ये जो खबरें चलती है ना कि दिल्ली में मोदी में शाह में और योगी में सब कुछ ठीक नहीं है, ये चलती थी। और अब तो एक राज्य के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी जेल से बाहर निकलते और यही यही बम मतलब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में नया नई जान नया विस्फोट कर देते हैं कि जैसे ही अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। और बात कह दिए, आज तो अरविंद केजरीवाल ने यहां तक कह दिया कि नरेंद्र मोदी जी अपने बाद अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे।
अब इस बात को सुनने के बाद यूपी में देखिए योगी खेमे के लोग जो हैं वो उनको लगता है कि मोदी के बाद योगी को ही प्रधानमंत्री बनना है। एक तरफ तो वो लोग ये सोचे हुए हैं और दूसरी तरफ ये सुनने में आ रहा है कि चुनाव जीते नरेंद्र मोदी तो आपका जो है वो योगी जी को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाए, और दूसरी तरफ ये अरविंद राजभर आज बयान दे दे रहे हैं कि यूपी में दिल्ली जैसे स्कूल होने चाहिए, स्कूलों की स्थिति बड़ी खराब है। तो कुल मिला जुला के जो पूरा आप ये देखिए, मतलब ऐसी कौन सी मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की, ये बार बार मैं कह चुका हूं, कहीं ना कहीं दूरियां तो हैं ओम प्रकाश राजभर को लेके। मन मान के योगी जी को ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाना पड़ा, और आपको वो दृश्य याद होगा ना, इसी घोसी में जब उनका नाम अनाउंस हुआ था अरविंद राजभर का, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इनका बहिष्कार कर दिया था अरविंद राजभर का। कारण क्या था कि ओम प्रकाश राजभर, अरविंद राजभर जब 2019 में ओम प्रकाश राजभर इस्तीफा दिए थे और गठबंधन छोड़ के चले गए थे, उसके बाद वो अखिलेश जी के साथ आ गए थे, और 2022 के चुनाव में उन्होंने हर मंच से योगी जी को बहुत कुछ कहा था, मोदी और योगी सबको कहा था, ये बात भाजपा का कार्यकर्ता नहीं भूला था। तो एक मीटिंग बुलाई गई थी मऊ में, याद करिए, घोसी में, मऊ में, और उस मीटिंग में जो है वो पैर वो हाथ जोड़ के एकदम दंडवत होते हुए इसी अरविंद राजभर ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से माफी मांगी थी, ब्रजेश पाठक के कहने पे। वो माफी मांगे, आपको याद होगा उस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में राजभर पिछड़ों को बड़ा बुरा लग गया, ये तो पिछड़ों का अपमान है, ये पिछड़ों का अपमान है। और भाजपा वाले इतने कलाकार थे कि वो बेचारे दंडवत होके माफी मांग रहे हैं, उनमें से किसी ने वीडियो बना लिया, वीडियो बना के वायरल कर दिया। तो और दूसरी तरफ घोसी में क्या है, ये तस्वीरें देखिए, घोसी में राजीव राय ऐसा, पूरे पूर्वांचल में तीन ही जगह के चुनाव की चर्चा है भाई साहब, एक तो प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी की संसदीय क्षेत्र है, दूसरा गाजीपुर की चर्चा है, लेकिन गाजीपुर से भी हॉट वीवीआईपी सीट है घोसी। घोसी में तो मतलब राजीव राय की ये लोकप्रियता है, ये सब देख रहे हैं। तो क्या इसी बाहुलाट की वजह से कि एक ऐसी सीट दे दी गई ओम प्रकाश राजभर को गठबंधन में जहां पे उनकी जीतने की संभावना बिल्कुल नहीं है, क्या इसमें भी ओम प्रकाश राजभर और अरविंद राजभर को लग रहा कि इसमें भी कहीं योगी जी के लोगों का हाथ तो नहीं है कि उनको जानबूझकर ऐसी सीट पे फंसा दिया गया जहां उनके बेटे के जीतने की संभावना बहुत कम है, इसीलिए बार बार इस तरह के बयान दे रहे हैं वो। अब ये बयान देना आप सोचिए, सोशल मीडिया का जमाना है, अब सब लोग कहेंगे कि भैया ये तो एनडीए का प्रत्याशी खुद ही कह रहा है कि यूपी में दिल्ली जैसे स्कूल होने चाहिए। सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल ने जब से मुख्यमंत्री बने यानी 2015 से, उन्होंने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन किया है, पूरी दुनिया में दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल की बड़ी चर्चा होती है। और एक जो सबसे बड़ी चीज मुझे लगी इस पूरे बयान में कि क्या जो प्राइम सरकारी स्कूल में बच्चे आते हो क्या बर्तन धोते हैं, ये तो मतलब बहुत बड़ा बयान है। इस बयान ये बयान तो बताता है कि बच्चों का शोषण हो रहा है स्कूलों के अंदर, और इस बयान पे तो तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, जांच करानी चाहिए कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है, बच्चा पढ़ने आ रहा है उसको वहां मिड डे मील में बर्तन धोना पड़ रहा है। और अगर ये आरोप गलत है तो अरविंद राजभर क्या इसके लिए माफी मांगेंगे या भारतीय जनता पार्टी इसको इग्नोर कर देगी, क्योंकि यूपी में बुरी तरह से फंस गई है। और देखिए राजीव राय जी ने जो उनके घोसी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने तो जब उनको टिकट मिला था उसी वक्त मैंने इंटरव्यू किया था न्यूज लॉन्चर में, आप लोगों ने देखा भी था, उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो हमारे साथ खड़े हैं, और मेरी लगातार घोसी और आसपास बात हो रही है, कई लोग तो कई पत्रकारों का तो दावा है कि पूर्वांचल की कई सीटों में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। एक तो बुरी तरह से स्थिति खराब है, प्रधानमंत्री मोदी जो है 13 तारीख को वहां रोड शो करने जा रहे हैं,
इसी पूर्वांचल में 2019 में भी कई सीटें वो हार गए थे, जैसे आजमगढ़ हारे थे, लालगंज हारे थे, घोसी हारे थे, गाजीपुर हारे थे, और जो सीटें जीते थे बड़े कम मार्जिन से जीते थे, जैसे बलिया 15,000 से, चंदौली 10,000 से, उसके अलावा जौनपुर भी हार गए थे, मछलीशहर में 200 वोटों से जीते थे बीजेपी, और अंबेडकर नगर भी हारी थी, बगल में श्रावस्ती भी हारी थी, 9-10 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी पहले ही हार चुकी थी। उसके बाद 2022 के चुनाव में तो कई जिलों में विधानसभा में खाता ही नहीं खोला था। तो दरअसल ये जो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये ओम प्रकाश राजभर, अरविंद राजभर बेसिकली किसके लिए काम, मतलब इनके बयानों से योगी जी की तो परेशानी बढ़ ही रही है, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? एक तो युवा में ऐसा ही नाराजगी है पेपर लीक की वजह से, अग्निवीर की योजना से। अब ये जो आरोप आज लगाए हैं, मैं कंट्रोल रूम से कहूंगा भारत समाचार वाला ट्वीट लगा दीजिए, अब ट्वीट पढ़िए क्या लिखा है भारत समाचार ने, कि जो मैंने कहा कि राजभर जी के सुपुत्र ने अपनी सरकार पर सवाल उठा दिया है, और आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी बीज और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का आईटी सेल अब बड़ा मजबूत हो गया है। कुछ दिनों बाद, थोड़ी देर बाद, ये अरविंद राजभर जी का ये बयान आपको सब जगह देगा, सोशल मीडिया पे। देखिए क्या क्या दिया उन्होंने, बोला है, देखिए पढ़ रहे हैं ट्वीट, आप देख लगा हुआ है, यूपी में भी दिल्ली मॉडल के विद्यालय होने चाहिए, मिड डे मील योजना सरकार को बंद करनी चाहिए, बच्चे स्कूल में जाके बर्तन धोते हैं, जीते तो सारी बातें प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाऊंगा, देखिए लिखा हुआ ना, जीते तो सारी बातें प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाऊंगा, और जो सबसे बड़ा दुखती रग है, जो योगी कभी नहीं चाहते हैं कि जाति जनगणना हो, क्योंकि तो जाति जनगणना होगी तब योगी जी के विशेष लोगों को परेशानी हो जाएगी। तो कुल मिला जुला के उत्तर प्रदेश में भाजपा की मुश्किलें, एक तो विपक्ष से भारतीय जनता पार्टी परेशान है कि विपक्ष बहुत एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है, कांग्रेस और सपा गठबंधन ने पानी पिला दिया है, और दूसरी तरफ ये पिता पुत्र की जोड़ी है ओम प्रकाश राजभर और उनके सुपुत्र पीएचडी वाले डॉक्टर डॉक्टर अरविंद राजभर के बयान, ये खुद ही योगी सरकार पे सवाल उठा रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि यूपी से हर बड़ी खबर सबसे पहले कोशिश करूंगा न्यूज लॉन्चर पे आपको दिखाऊं। खबर कैसी लगी इसे कमेंट जरूर कीजिएगा, अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा। देखते रहिए न्यूज़ लॉन्चर, बहुत बहुत धन्यवाद।